जीवन के अग्निपथ पर मनुष्य जाति ने कई दुर्भाग्यों का सामना किया है, जिनमें से सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राक्षस। दल देख, वहां कुछ आ रहा है। हैं? कुछ नहीं मेरे भाई, कोई आ रहा है। पिताजी, इन्हें निष्कासित किया तो जाएंगे रोते हुए सीधे उस राम के पास। मेरी मानिए, इन्हें बंदी बनाकर इसकी ऐसी औकात कहां जो मैं इससे डरूं। जाए अपने राम के पास मेरी बला से। जीवन की यात्रा मृत्यु के मार्ग से होकर जाती है। और सब ठीक? हनुमान! पिताजी, ये धोखा देंगे। दे चुका है, जा यहां से। राजद्रोही, आज्ञा दीजिए भैया। अजीब सी रोशनियां थी जिन्हें देख हमारे डर बढ़ गए, लेकिन तुम्हें आते देख सब चले गए। कहां रह गए थे इतनी देर? बस समझो थोड़ा उलझ गया था। इंद्रजीत, मेरे सेनापतियों को बुलाए जाए। करना है बहुत और समय है कम। किस काम में? बताता हूं, लंबी कहानी है। धरती पर तुम्हारा मनहूस साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे ये लंबी नहीं, अचंभी कहानी है। है तो। असुरों के काले इरादों से जन्मा नरक की संतान, जिसका देवों से युग युगांतर का बैर है। और राजकुमारी सीता सुरक्षित है ना? है, पर न जाने कब तक। पर आज इस राक्षस का सर और कद उठ गया है। एक समय था जब इस जाति का निवास मानव बसेरों से दूर काली गुफाओं और गहरे दलदलों में था। फिर खाली हाथ क्यों लौटे? और आ ही गयो तो अब मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर बची लंका को जलाकर उन्हें वापस ले आएंगे। और जिस माहौल में शिकार ही आने से डरे तो एक राक्षस का शिकार बनता था दूसरा। क्यों? रावण को मारूंगा मैं, कह देता हूं। हौसला मेरा भी कम नहीं अंगद। पर इस शापित भीड़ में एक था जिसने ऐसा नीच जीवन जीने से इनकार किया। इसलिए रावण की कथा का अंतिम अध्याय केवल श्री राम ही लिखेंगे। संतुलन और शांति लाने की यही क्रिया है। जिसके ऊंचे इरादों ने राक्षसों को दलदल के कीचड़ से उठाकर आकाश की ओर ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और श्री राम के युद्ध में साथी, उनके विजय रथ के सारथी बनेंगे हम। बड़े प्रतिद्वंदी को हराने में सफल हुआ राक्षसों का महासम्राट रावण।